Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today we are going to solve a practical question of internal reconstruction, and this will be the series which will be continued further. So today practical question solve करने से पहले थोड़ा सा internal reconstruction का basic जो है वो revise करेंगे, so that आपको जो है जर्नल एंट्रीज हम जो सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना हो. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक जर्नल एंट्रीज या बेसिक रूल्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट दिखा, सो इफ देर इज एनी प्रॉफिट, तो मैंने सिंपल रूल लिखा है इफ प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा. सो जब भी आपको प्रॉफिट दिखेगा कैपिटल रिडक्शन हमेशा क्रेडिट होगा, और जब कभी भी आपके क्वेश्चन में लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन आपको डेबिट करना है. सो द रूल इज व्हेनेवर देयर इज प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन विल बी क्रेडिटेड, एंड व्हेनेवर देयर इज लॉस कैपिटल रिडक्शन विल बी डेबिटेड. इफ द वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा. अगर हम देखें असेट्स के वैल्यू को, अगर हम मार्केट से कंपेयर करें तो असेट्स की वैल्यू कभी इंक्रीज होती है, कभी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है. सो इसके लिए भी एक सिंपल थंब रूल है जो आपको याद रखना है, एंड दैट इज अगर आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपका असेट्स का वैल्यू एप्रिसिएट होगा या इंक्रीज होगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा. अगर आपके असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, दैट मीन्स असेट्स अगर डेप्रिसिएट होंगे, तो कैपिटल रिडक्शन हमेशा डेबिट होगा. ये थोड़े इंपॉर्टेंट रूल्स है जिन स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्रीज फेस करने में प्रॉब्लम्स होते हैं, जिन स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्रीज से डर लगता है, वो लोग ये बेसिक रूल्स से अगर जाएंगे तो आपके जर्नल एंट्रीज का जो आपका डर है वो भी कम हो जाएगा और आपके सारे के सारे जर्नल एंट्रीज याद रहेंगे. अभी पहले हमें यह सीखना है कि जर्नल एंट्रीज को हम कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करें, फिर उसमें अमाउंट लिखना सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाता है. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट द जर्नल एंट्रीज या हाउ टू फ्रेम द जर्नल एंट्रीज. तो इसके लिए ये कुछ बेसिक रूल्स है, ये बेसिक रूल्स आप याद रखें. इसका पीपीटी मैंने ऑलरेडी आपको कल शेयर कर लिया था ग्रुप में, तो वो एक बार चेक कर सकते हो आप. तो सिमिलर रूल्स आपको अभी आगे के क्वेश्चंस में भी याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देखो कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कभी भी जर्नल एंट्रीज पास होता है तब हम देखते हैं कि कभी बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, कभी बैंक अकाउंट डेबिट होता है. तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कब बैंक अकाउंट डेबिट करना है, कब बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है. इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट दिया है, इसको ध्यान रखें. अगर आपके क्वेश्चन में सेटल्ड या पेड वर्ड आएगा, जैसे कि क्रेडिटर्स आर सेटल्ड, ठीक है, सिक्योर्ड लोन इज पेड, एक्सपेंसेस पेड, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड. सो व्हेनेवर द वर्ड सेटल्ड और पेड वर्ड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन या इन द एडजस्टमेंट, देन बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा. देखो ऐसा क्यों, इसका भी एक रीजन है कि अगर हम कोई भी चीज को पे करेंगे तो हमारे पास से कैश बाहर जाएगी, और रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो दैट इज व्हाई कैश हमारे पास से बाहर जा रहा है, इसलिए इट इज गोइंग आउट. तो दैट इज व्हाई कैश के जगह पे हम यहाँ पे कैश वर्ड यूज नहीं करने वाले, हम यहाँ पे बैंक वर्ड यूज करने वाले. सो आपको याद रखना है कि इफ सेटल्ड और पेड वर्ड इज गिवन, देन बैंक अकाउंट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड. जब कभी भी हम कोई भी असेट्स को बेचते हैं, विच इज कॉल्ड एज सोल्ड. समझो मैंने आपको बोला कि फर्नीचर सोल्ड, तो आपको सिंपल इससे यही क्लियर होना चाहिए, जब हम फर्नीचर बेचेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, पैसे आएंगे. पैसा मतलब कैश है. तो जब भी आप सोल्ड करोगे तो कैश के लिए हमने इस चैप्टर में अल्टरनेटिव वर्ड क्या ढूंढा है, बैंक, बिकॉज सारे पेमेंट बैंक के थ्रू आएंगे, इसीलिए बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट. तो आपको ये पॉइंट से क्या क्लियर होना चाहिए कि व्हेनेवर सेटल्ड वर्ड इज गिवन या पेड वर्ड इज गिवन, बैंक अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, एंड व्हेनेवर द वर्ड सोल्ड इज गिवन, तो बैंक अकाउंट विल बी ऑलवेज डेबिटेड. ये दो चीजें आपको ये पूरे पॉइंट से क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट है जर्नल एंट्रीज, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, तो ये भी मैंने आपको एक बार फॉरवर्ड किया है कि रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो काफी सिंपल एंट्री है जो लोग बायआउट करते हैं उनके लिए भी, लेकिन हम बायआउट नहीं करेंगे, हम इसको लॉजिकली पढ़ेंगे. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दिस इज द जर्नल एंट्री नंबर वन. हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आगे पढ़ने वाले हैं.
नेक्स्ट इज डिबेंचर सेटल्ड. तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन किस तरीके से होगा वो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ. नेक्स्ट इज क्रेडिटर सेटल्ड. तो देखो सेटल्ड वर्ड आया तो इसलिए बैंक अकाउंट आया. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन. मैंने यहाँ पे बैंक लिखा है. अगर क्रेडिटर सेटल्ड बाय इक्विटी शेयर्स आया तो बैंक के जगह पे इक्विटी शेयर्स भी हमारे एंट्री में आ सकता है. असेट्स का वैल्यू एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि असेट्स की वैल्यू जब एप्रिसिएट होती है इसका मतलब असेट्स का वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है और उस केस में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है. असेट्स की वैल्यू जब डेप्रिसिएट होती है तब हमारा असेट्स कम होता है इसके लिए लॉस होता है. तो लॉस में क्या है कैपिटल रिडक्शन डेबिट. तो अगेन आई रिपीट अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट और अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट. यही सिंपल फंडा इस चैप्टर में आप लेके चले. आपके कोई भी क्वेश्चन के जर्नल एंट्रीज रॉन्ग नहीं होंगे हमेशा राइट आएंगे लेकिन सेकेंड क्राइटेरिया बनता है आप अमाउंट किस तरीके से प्रेजेंट करते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पेड. तो दोनों पॉइंट के लिए मैंने एक ही एंट्री लिखा है. अगर हमारे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड देखे तो एंट्री है कैपिटल रिडक्शन टू बैंक और अगर हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड पेड देखे तो भी हमारा एंट्री है कैपिटल रिडक्शन टू बैंक. तो मैंने कल आपको क्लियर कट बताया था कि वेन एवर प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स देर इज नो एंट्री बिकॉज ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. सो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हम पे करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक होगा और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को अगर हम वेव्ड कर देंगे या कैंसल्ड कर देंगे तो कोई जर्नल एंट्रीज नहीं होगी. फिर लास्ट में हमारा जो भी बैलेंस बचता है कैपिटल रिडक्शन में दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो किस तरीके से एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व. ये लास्ट एंट्री थोड़ा कैलकुलेटिव है बिकॉज इसमें हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है देन ट्रांसफर करना है. यही कुछ बेसिक्स है जो आपके जर्नल एंट्रीज में आपको याद रखने हैं. तो मैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँ तो जो लोगों ने पिछले सेशन अटेंड नहीं किए हैं वो लोगों को थोड़े प्रॉब्लम्स फेस होंगे और जिन लोगों ने अटेंड भी किए हैं उनके लिए एक बार रिवीजन होना चाहिए. इसलिए दिस इज ऑल रिवीजन रिलेटेड टू द प्रीवियस सेशन. तो ये सारे जर्नल एंट्रीज का बेस लेके अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ओके चलो तो ये है अपना क्वेश्चन जो मैंने आपको कल ऑलरेडी सेंड कर लिया था एंड इसी क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके सामने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको लाइबिलिटी साइड की कुछ चीज़ों को ध्यान से देखना है. सो लाइबिलिटी साइड की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास इक्विटी शेयर्स का वैल्यू दिया है यहाँ पे 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच और वैल्यू दिया है 2,50,000. तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए होंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो कैसे 2,50,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें कितने शेयर्स मिलते हैं वी गेट 25,000 शेयर्स. अगर नहीं दिए होंगे तो अगर दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग यहाँ से इजीली इसको लिख सकते हैं. बट हमारे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स दिए हुए हैं. सो सिंस हमारे पास शेयर्स दिए हुए हैं तो हम इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट जो आपको ध्यान रखना है. ठीक है सिमिलरली आपको प्रेफरेंस का भी देखना है प्रेफरेंस भी किस तरीके से है. सो अगर हम देखें तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बोला है 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच. देखो ये प्रॉब्लमेटिक है. यहाँ पे 1,20,000 ये आपको दिया हुआ है. 1,20,000 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे बिकॉज यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है तो यहाँ से 20 कैंसल्ड हुए यहाँ से 20 कैंसल्ड हुए मतलब कितने शेयर्स है 1200 प्रेफरेंस शेयर्स है. दैट वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग. सो सम ऑर द अदर पॉइंट इट इज बीन गिवन सम ऑर द अदर पॉइंट इट इज नॉट गिवन. So whenever it is not given, this is the procedure to calculate. So वो भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको solve करना है. ठीक है चलो देखो 2,50,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं 25,000 शेयर्स आए. 1,20,000 को हमने 100 से डिवाइड किया तो हमें 1,200 प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे मिले हैं.
नेक्स्ट इज सिक्योर्ड लोन, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। असेट साइड में देखते हैं, सो असेट साइड में हमारे पास है प्रीमाइसेस 1,70,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 20,000, मशीनरी 75,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 35, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो यहां दिया है, दिस इज कॉल्ड एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, इसका दूसरा नाम है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है काल्पनिक असेट्स, ऐसे असेट जिनको हम राइट ऑफ करना चाहे। सो ऐसे असेट्स को हम राइट ऑफ करने वाले हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जैसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के साथ और भी कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, वो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में दिए हैं, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दिज आर ऑल और रिलेटेड विथ फिक्टिशियस असेट्स। इनको हमें राइट ऑफ करना कंपलसरी है। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा फिक्टिशियस असेट्स जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इस पॉइंट से रिलेट करते हैं बाकी के चीजों को। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एडजस्टमेंट, तो लेट अस सी व्हाट द एडजस्टमेंट सेज। एडजस्टमेंट नंबर वन, इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस 2 रुपीज 2 इच। तो काफी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले डिफरेंस समझाऊंगा, फिर हम जर्नल एंट्रीज में जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स 2 रुपीज 40 इस, तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू 40 रुपीज से कम हो रही है और इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 2 रुपीज से कम हो रही है। सिक्योर्ड लोन वॉज फुल्ली सेटल्ड बाय पेइंग 2,500, तो सिक्योर्ड लोन को 2,500 रुपया देंगे हम लोग। सेटल्डमेंट यहाँ पे सेटल्ड वर्ड आया है, तो मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेंबर, बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जब सेटल्ड वर्ड आता है। फिर असेट्स का कुछ रीवैल्यूड फिगर्स यहाँ दिया है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, अगेन यहाँ पे पेड वर्ड आया है, पेड वर्ड आया मतलब आपको याद रखना है बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ऑल फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। बिफोर वी बिगिन, थोड़ी सी बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, देखो क्या होता है, एक तो आपके क्वेश्चन में आपको दो सिनेरियो है। एक तो आपके क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट आएगा कि इक्विटी शेयर्स आर रेड्यूस, मैंने अभी लिखा है 2 रुपीज 2 इच, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है टू वर्ड, ठीक है। एक ऐसा वर्ड आ सकता है या फिर आपको लिख के आएगा बाय रुपीज 2 इच, एक ऐसा वर्ड आ सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है टू और बाय। टू और बाय में काफी ज्यादा डिफरेंस है। देखो एंट्री में दोनों में सेम ही होने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं यहां पे आपको शेयर्स, हमने एग्जांपल शेयर्स जितने रहेंगे हम लोग बाद में सॉल्व करने ही वाले, पहले इससे ही समझते हैं। एंट्री होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हमने इक्विटी शेयर का देखा था, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। ये हमारा इस केस का एंट्री, इसमें भी लिख लेता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सीआरएस कैपिटल रिडक्शन। ध्यान से सबसे पहले समझो, इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में अभी मैंने भी ऊपर हमने लिखा है फेस वैल्यू 10 है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे पूरा हमारा फेस वैल्यू लिखना है 10 रुपीज, ओके। ध्यान से समझना अभी, बिकॉज ये टू और बाय का जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, स्टूडेंट्स का यही सबसे पहला प्रॉब्लम है कि दे गो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर टू गो फॉर टू एंड वेयर टू गो फॉर बाय, या टू कहाँ पे लिखे और बाय कहाँ पे लिखे। देखो जर्नल एंट्री दोनों मैंने सेम लिखी है, लेकिन एक टू और बाय आपका पूरा जर्नल एंट्री गलत कर देगा, आपको 0 मार्क्स दे देगा। इसलिए जब भी ये टू वर्ड आया, ठीक है, टू का मतलब है डायरेक्ट लिखना है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 बोला है, 2 रुपीज, हाउ मच 2 रुपीज 2, तो यहां पे 2 रुपीज आएगा, ठीक है। और कैपिटल रिडक्शन में 10 में से 8, 2 माइनस का कितना बचेगा, 8 आएगा। तो व्हेनेवर टू वर्ड इज गिवन, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। और व्हेनेवर बाय वर्ड इज गिवन तो क्या करना है बताता हूं। देखो इक्विटी से यही सेम है, इधर बाय वर्ड है, बाय रुपीज 2 बोल रहा है, ये दोनों में 2 2 ही है, लेकिन एक में 2 बोल रहा है, एक में बाय बोला, तो यहां पे क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे 10 रुपीज लिया मैंने। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब इंपॉर्टेंट, जब भी बाय वर्ड आएगा आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखना है,
मतलब 10 में से ये 2 माइनस किया, इधर 8 आएगा और यहां पे 2 आएगा. दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल विच शुड क्लियर योर बेसिक्स. अगेन आई रिपीट, जब भी 2 वर्ड आएगा तो डायरेक्टली जो आपको एडजस्टमेंट में अमाउंट दी है वो लिखनी है. और अगर आपके क्वेश्चन में बाय वर्ड आया तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस पहले लिखेंगे और फिर बाकी का बचा कैपिटल रिडक्शन में. लेकिन ऐसा 10 to 8 तो हमें लिखना नहीं है, हमें नंबर ऑफ शेयर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन हमें जो अमाउंट मिलेगी वो हम लोग लिखेंगे. अभी उसको किस तरीके से करना है ये भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है. तो दैट वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिक जो आपको ध्यान से समझना है. तो ये एनोटेशन में ऐसे ही रख रहा हूँ ताकि ये पीडीएफ में फिर से शेयर करूंगा आपके साथ आंसर्स के साथ. सो आई विल कीप द एनोटेटेड पार्ट इन द सेम फॉर्मेट सो दैट यू विल बी एबल टू हैव दिस एनोटेशन विद यू, ताकि ये 2 और 8 का बाय का जो डिफरेंस है या 2 और बाय का जो फंडा है वो आपको हमेशा क्लियर हो, या जब भी कन्फ्यूजन हो इस पीडीएफ को आप देख सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी लिख के रखे हैं सो दैट हमारा टाइम बच जाए और वीडियो काफी लेंदी भी ना बने. देखो सबसे पहला स्टेप हम जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 में, ठीक है. एकदम सिंपल है, ध्यान से समझना, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपरली देखना ताकि ये जो आपके एंट्रीज है वो क्लियर हो जाए और उसके बेसिस पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो जाए. बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन क्लियर होगा तो ही आप आगे के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. नंबर 1, इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस 2 रुपीज 2 ईच, ठीक है. चलो इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस 2 रुपीज 2 ईच एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस बाय 40 रुपीज. तो मैंने 2 भी लिया है, बाय भी लिया है, दोनों चीजें हम करेंगे. किस तरीके से होगा ध्यान से देखना. सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें जाना है हमारे क्वेश्चन में. क्वेश्चन में हमें देखना है कि एडजस्टमेंट किसको रिलेट कर रहा है, इक्विटी शेयर्स को. तो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू देखते हैं. इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है यहाँ पे 2,50,000, ठीक है. एंट्री कैसे होगा, एंट्री काफी इजी है. एंट्री है सिंपल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, हमेशा यही एंट्री आपको करना है. अब अमाउंट कैसे लिखना है, सिंपल तरीका है. देखो सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन में से कॉपी करना है. क्वेश्चन में कितना दिया था, 2,50,000. सो क्वेश्चन में कितना दिया था, 2,50,000. तो मैंने क्या किया, 2,50,000 मैंने पहले लिख लिया डेबिट साइड. कहाँ से लिया है देखो आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबल है 2,50,000. सो आई हैव रिटन 2,50,000 इन द डेबिट साइड, ठीक है. अब इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान रखना, आप अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो, ठीक है. देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 में फिर से एक बार पढ़ते हैं. इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस 2 रुपीज 2 ईच, 2 रुपया तक रिड्यूस किया. तो क्या करना है आपको रेफरेंस के लिए, ये इधर नहीं लिखना, इधर तो अमाउंट आएगा, इधर लिखना है 2, इधर लिखना है 10. 10 पहले क्वेश्चन में था, 2 रुपया एडजस्टमेंट में था, इधर आएगा आपका 8. अब अमाउंट कैसे ढूंढे, सिंपल स्टेप है, ध्यान से समझना. इसीलिए नंबर ऑफ शेयर जरूरी है. नंबर ऑफ शेयर्स देखो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं. देखो 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितने शेयर्स है, 25,000 है. तो 25,000, तो आपको क्या करना है, देखो मैंने 2 लिखा है यहाँ पे, मैं आपके लिए मल्टीप्लीकेशन भी लिख के रखता हूँ. 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 25,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 50,000. तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में 50 गया. अब आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, 2,50,000 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 2 लैक्स बचता है. तो 2 लैक्स इधर हम लिख लेंगे, काफी ईजी है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू रिमेंबर. हमेशा इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है. ध्यान रखे मल्टीप्लीकेशन करते वक्त प्रॉपरली आपको मल्टीप्लाई करना है. मैं आपको अभी कुछ मल्टीप्लीकेशन आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो जो भी कैलकुलेशंस होंगे ध्यान से करना. जो इजी इजी वाले पॉइंट्स है वो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है, ठीक है. चलो अभी प्रेफरेंस का करते हैं. देखो प्रेफरेंस के लिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन में जाना है. 9% प्रेफरेंशियर्स ऑफ 100 ईच, तो यहाँ पे 100 है. यहाँ पे हमने 1200 शेयर्स ढूंढ के रखे हैं, 1,20,000 जिसकी वैल्यू है. तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप 1,20,000 यहाँ कॉपी करेंगे, ठीक है. सो 1,20,000 हमने यहाँ कॉपी कर लिया. अब हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट में, बाय वर्ड है या टू वर्ड है ध्यान से देखना है. देखो एंड प्रेफरेंशियर्स बाय रुपीज 40,
यहाँ पे टू वाला था एडजस्टमेंट, यहाँ पे बाय है, यहाँ पे टू टू है, यहाँ पे बाय 40 है। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ दूसरी, जब भी बाय 40 आएगा, बाय, तो बाय की वैल्यू हमेशा कैपिटल रिडक्शन में लिखनी है, ठीक है। डिफरेंस अभी 100 100 वैल्यू है हमारी, हमने यहाँ 100 लिखा, 100 में से मैंने आपको बोला डिफरेंस लिखना है, 100 में से 40 गया तो कितना डिफरेंस बचता है, 60, तो आपका 60 इधर आ जाएगा। तो बाय की वैल्यू कहाँ पे लिखनी है, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, बाय की वैल्यू कहाँ पे लिखनी है, कैपिटल रिडक्शन में लिखनी है, ठीक है। सो 1,20,000 यहाँ पे आया। अब आपको मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दे के रखता हूँ, देखो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 60। 1200 कहाँ से लाया, ऊपर हमने नंबर ऑफ शेयर ढूंढ के रखे थे प्रेफरेंस के, सिमिलरली 1200 मल्टीप्लाइड बाय 40। ये 60 किधर से लाया, ये देखो ये 60 है, 40 किधर से लाया, ये कैपिटल रिडक्शन का 40 है। तो आप अभी अमाउंट कैलकुलेट कर लेना प्रॉपरली इसी बेस पे, मल्टीप्लीकेशन ध्यान से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई, जब भी टू की वैल्यू आएगी, टू की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखते हैं, बाय की वैल्यू आई तो बाय की वैल्यू डिफरेंस लिखते हैं, लेकिन बाय की वैल्यू हम कहाँ पे लिखेंगे, सीधा कैपिटल रिडक्शन में लिख लेंगे, तो दैट विल बी क्लियर, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में जाते हैं। सिक्योर्ड लोन वॉज फुल्ली सेटल्ड बाय पेइंग 2,500। सो जब भी आपके पास ऐसा कोई एडजस्टमेंट आए, पहले वो पॉइंट आप क्वेश्चन में ढूंढे। देखो अभी हम क्वेश्चन में ढूंढते कहीं सिक्योर्ड लोन है क्या, सिक्योर्ड लोन की वैल्यू कितनी है, 3,000 है, राइट। और एडजस्टमेंट में देखो सिक्योर्ड लोन पेमेंट कितना कर रहे, 2,500 हम पेमेंट पेमेंट कर रहे। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको लिख के बताता हूँ, हमारा सिक्योर्ड लोन कितना था, 3,000, और हम पे कितना कर रहे हैं, 2,500 हम पे कर रहे हैं। तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, आप बोलेंगे प्रॉफिट है, कैसे प्रॉफिट हुआ, 3,000 पे करना था, कितना पे किया, 2,500 वी आर पेइंग, सो दैट इज वाई हाउ मच इज द डिफरेंस, 500 इज द डिफरेंस। तो 500 आपका प्रॉफिट है, और मैंने आपको बताया था जब भी प्रॉफिट होगा कैपिटल रिडक्शन हमेशा क्रेडिट होगा। तो ध्यान रखना अभी एंट्री कैसे बनेगा, देखो सिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट, कितने का सिक्योर्ड लोन था, 3,000 का सिक्योर्ड लोन था। बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, सेटल्ड वर्ड आया इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया था बैंक कितना हम पेमेंट कर रहे हैं, 2,500 हम पे कर रहे हैं। कैपिटल रिडक्शन में कितना आएगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 का प्रॉफिट हुआ। दिस इज अ सिंपल पॉइंट विच वी नीड टू रिमेम्बर। इसके नरेशंस है तो मैं आपको लास्ट में नरेशंस बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहे, और बाद में जब मैं नरेशंस बताऊंगा तब तो आप अपने बुक्स में नरेशंस को लिख के रखे, सो दैट बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। यहाँ पे मैंने एक भी नरेशंस नहीं लिखे है, ठीक है। सबके लिए एक ही नरेशन हम लोग फाइंड आउट, मतलब अभी समझो शेयर कैपिटल का रिडक्शन है तो उसके लिए मैं एक ही नरेशन बताऊंगा। जब भी शेयर कैपिटल का रिडक्शन आएगा तब आप उसके बेसिस पे नरेशंस लिख सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी नेक्स्ट पॉइंट है आपके असेट्स का वैल्यू एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट। तो सबसे पहले असेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट देखते हैं। असेट्स वेर रीवैल्यूड एज अंडर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000, मशीनरी 1,00,000, स्टॉक 20, डेटर्स 30, प्रीमाइसेस 2,70,000। जब भी ऐसा पॉइंट आएगा तब आपको पहले कंपेयर करके देखना है कि असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। चलो पहला पॉइंट देखते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अभी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इधर है 20,000, क्वेश्चन में कितना है, 20,000, एडजस्टमेंट में कितना है, 50,000। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक एरो मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले बाद में कि एरो मार्क बढ़ रहा है, मतलब ऊपर एरो है। नेक्स्ट पॉइंट इज मशीनरी, मशीनरी इज 1,00,000, मशीनरी यहाँ पे कितना है, पहले क्वेश्चन का देखना है, उल्टा सुलटा कंपेयर मत करना। क्वेश्चन में 75,000 है, एडजस्टमेंट में 1,00,000 है, तो 75 था, 1,00,000 हुआ, मतलब मशीनरी की वैल्यू भी क्या हो रही है, मशीनरी वैल्यू भी बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, स्टॉक क्वेश्चन में 25, इधर 20 है, ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। डेटर्स देखो क्वेश्चन में 35, यहाँ पे 30 है, मतलब ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, तो दो इंक्रीज दिख रहा है, दो डिक्रीज दिख रहा है। प्रीमाइसेस देखते हैं, प्रीमाइसेस क्वेश्चन में 170 है, यहाँ पे 270 है, तो प्रीमाइसेस क्या हो रहा है, प्रीमाइसेस बढ़ रहा है। तो जो भी आपके असेट्स बढ़ रहे हैं उसको मैं एक साथ ले लूंगा, और जो भी आपके असेट्स कम हो रहे हैं उसको हम लोग एक साथ लेंगे। अभी सिंपल इसका एंट्री कैसे होगा, देखो वेन एवर असेट्स एप्रिसिएट या असेट्स की वैल्यू जब बढ़ती है तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, और मैंने आपको पहले भी बता के रखा है प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, सिंपल रूल है।
असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होते रहेगा बिकॉज अभी पहला क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से आप इसको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़े, आपका ध्यान सिर्फ इसी पॉइंट्स पे देखे कि जैसे मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ वैसे ही रूल अप्लाई करें, और ये रूल आपके पास बुक में लिख के रखे तो बुक में अगर लिखा होगा रूल्स तो वो आप जैसे ही रिवाइज करोगे वैसे आपको याद रहेगा। अभी मेरे कौन से असेट्स बढ़ रहे हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, मशीनरी बढ़ रहा है और प्रीमाइसेस की वैल्यू बढ़ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो मैंने एंट्री लिखा, देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो अभी कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट, मशीनरी डेबिट, प्रीमाइसेस डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अभी अमाउंट कैसे लिखना है चेक करो, क्वेश्चन में देखते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, 20,000 था, एडजस्टमेंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है, 50,000 है, तो कितने से बढ़ गया, 20,000 था 50,000 बना, कितने से बढ़ा, 30,000 से बढ़ गया। तो यहाँ पे लिखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 30,000, जो डिफरेंस है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मशीनरी, अभी मशीनरी देखो, मशीनरी इधर कितना है, 75 है, इधर 1 लाख है, तो कितने से बढ़ा, मशीनरी बढ़ा 25,000 से, ठीक है। फिर प्रीमाइसेस कितने से बढ़ा, प्रीमाइसेस देखोगे प्रीमाइसेस बढ़ा 1 लाख से, ठीक है। सो अभी इनका टोटल कर लो, 1 लाख + 30 इज 1 लाख 30, 1 लाख 30 + 20 इज 150, 155, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा 101,55,000, ठीक है। चलो ऐसे ही अभी हम लोग दूसरे असेट्स का करेंगे, क्योंकि ये असेट इंक्रीज हुए थे। अभी कौन से असेट्स हमारे डिक्रीज हुए थे, हमारे असेट्स डिक्रीज हुए थे स्टॉक और डेटर्स। तो स्टॉक की वैल्यू देखते हैं 25 थी, डेटर्स की वैल्यू देखते हैं 35 थी, तो स्टॉक की वैल्यू इधर कितनी हुई, 25,000 से कम हो गया, डेटर्स की वैल्यू कितनी हुई, 35 थी 30, ये भी 5,000 से कम हो गया, तो दोनों में 5,000 आ जाएगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्रेडिट साइड में पहले लिखूंगा 5,000, डेटर्स में लिखूंगा 5,000, 5 + 5 कितना आ जाएगा, 10,000, ओके दैट्स इट। इतना ही आपको करना है, हमेशा इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होने के बाद डिफरेंस ढूंढो, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करो, डिक्रीज हुआ डिक्रीज होने के बाद डिफरेंस ढूंढो, कैपिटल रिडक्शन डेबिट करो। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, अगले पॉइंट अभी काफी इजी है। नेक्स्ट पॉइंट, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड 55,000, सो रिकंस्ट्रक्शन का सिंपल एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा 5,000 यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे, काफी इजी है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 5,000। नेक्स्ट हमारा एंट्री है, उसके बाद चेक करो आपके क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट दिया है, ऑल द फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी रिटन ऑफ, इफ यू हैव एनी इंटेंजिबल असेट्स सच एज गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, दैट इज ऑल्सो टू बी रिटन ऑफ, बट सिंस वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटेंजिबल असेट्स इन द क्वेश्चन, वी कैन नॉट रिटन ऑफ दैट। तो हमारे क्वेश्चन में एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 98,000, तो इसको अभी हम राइट ऑफ करेंगे। क्या होगा एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही है इसलिए एक क्रेडिट हुआ, दो रहता तो दो लिखते, तीन रहता तो तीन लिखते, कितना वैल्यू है 98,000 98,000, ठीक है। सो यही हमारा एंट्री है। लास्ट एंट्री हमको करना है कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। सो लास्ट एंट्री जो है, ध्यान से चेक करना इस एंट्री को हमें किस तरीके से करना है, इसके लिए एक रूल है, तो ये रूल मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा, आपको कैलकुलेट करना है और सभी स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है अपना आंसर। जो भी आंसर आप कमेंट करोगे उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा कि और कितने लोगों ने राइट आंसर दिया, उतने लोगों के नाम्स भी बताऊंगा। सो एग्जैक्टली किस तरीके से सॉल्व करना है ध्यान से चेक करें एक बार। देखो मैं आपको रूल बताता हूँ, देयर इज अ स्पेसिफिक रूल टू कैलकुलेट कैपिटल रिडक्शन बैलेंस विच कैन बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो जो भी आपका बैलेंस है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। देखो रूल काफी इजी है, रूल काफी इजी है, ध्यान से पढ़ना रूल को। देखो अभी ये रूल क्या है, देखो रूल क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं, कैपिटल रिडक्शन जितने बार क्रेडिट हुआ है वो आपको ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखा ताकि आपको समझ में आए, कैपिटल रिडक्शन जितने बार भी डेबिट हुआ है
वो आपको लेस करना है, दिस इज द रूल। ओके, जितने बार कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट दिखेगा वो आपको ऐड करना है, जितने बार कैपिटल रिडक्शन डेबिट दिखेगा वो आपको लेस करना है। अभी कैसे देखो एक बार बताता हूं, यहां पे मैं आपको कैलकुलेशन बता ही देता हूं। अभी फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, ठीक है, कितना क्रेडिट है, 2 लाख क्रेडिट है। सो इस 2 लाख को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। सिमिलर वे से आगे के कैलकुलेशन, क्रेडिट है तो क्रेडिट को प्लस करना, पहले क्या काम करना, जितने भी क्रेडिट्स है सबको प्लस करना, और उसमें से जितने बार डेबिट हुआ है कैपिटल रिडक्शन ही करना है, बाकी सब कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे क्रेडिट है 2 लाख, देखो यहाँ पे भी क्रेडिट है तो यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो लेना, फिर यहाँ पे भी क्रेडिट है 500, ये भी प्लस करना, फिर 1,55,000 ये भी प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10,000 डेबिट है ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5,000 डेबिट है ये माइनस हो जाएगा, फिर 98,000 डेबिट है ये माइनस हो जाएगा, फिर जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, एंड दैट इज कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व, दिस इज द रूल। अब मैं आपको नरेशंस बताता हूँ, ध्यान से अपने बुक में नरेशंस को लिख के रखें, सो दैट अगले बार से जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा तब आपको ये नरेशंस आपके पास होने चाहिए। एंड वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट जर्नल एंट्रीज विदाउट नरेशन के नॉट बी एक्सेप्टेड इन द पेपर, सो वी नीड टू राइट द नरेशन। नरेशन इज टू बी शॉर्ट एंड स्वीट, पूरा बड़ा 2-3 सेंटेंसेस में हमें नरेशन नहीं लिखना है, हमें एक ही सेंटेंस में नरेशन लिखना है। अभी कैसा, पहला वाला जो नरेशन है शेयर कैपिटल का रिडक्शन, उसके लिए एक सिंपल नरेशन है, बींग रेड्यूस द वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम ₹10 to ₹2। तो मैंने आपको बताया फ्रॉम ₹10 to ₹2, ये आप एडजस्टमेंट में से लिखे। क्या है नरेशन, बीइंग रेड्यूस द वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम ₹10 to ₹2। प्रेफरेंस के लिए भी वैसा ही, बीइंग रेड्यूस द वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम ₹100 बाय ₹40, या from ₹100 to ₹60। आप वर्डिंग को कैसे भी चेंज कर सकते हो लेकिन मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन था सिक्योर्ड लोन का, तो सिक्योर्ड लोन के लिए नरेशन होगा बीइंग सिक्योर्ड लोन सेटल्ड या बीइंग सिक्योर्ड लोन पेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे असेट्स के ऊपर, असेट्स के लिए कॉमन नरेशन बताता हूँ, जो भी असेट्स इंक्रीज डिक्रीज होंगे सेम आएगा, बीइंग रीवैल्यूड असेट्स, तो असेट्स के लिए क्या नरेशन होगा, बीइंग रीवैल्यूड असेट्स, ठीक है। फिर हमारा कैपिटल रिडक्शन टू बैंक है, ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस का है, तो उसके लिए नरेशन होगा बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, फाइन। नेक्स्ट इज हमारा पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस को हमने राइट ऑफ किया है मिसेलिनियस को, तो इसके लिए नरेशन होगा बीइंग फिक्टिशियस असेट रिटन ऑफ, फिक्टिशियस का स्पेलिंग ऊपर एडजस्टमेंट में लास्ट एडजस्टमेंट में दिया है, बीइंग फिक्टिशियस असेट रिटन ऑफ, तो यही आपका नरेशन होगा। और लास्ट है हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो इसके लिए नरेशन होगा बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, आई रिपीट अगेन, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपके सबके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट होने चाहिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर ले, सो दैट उनको भी पता चले कि एग्जैक्टली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किस तरीके से बेसिक्स होते हैं और किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सेशन अभी साइड बाय साइड ऐसे ही चलते रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।